तो गाइस अभी ना घर पे पहुंचा था और साहिल का फोन आया कि ना ट्रेटर फंस गया है। तो डरता वही काम जिना मैं डरता सी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हेलो गाइस, हम चलते हैं खेत पर। अच्छा चलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, छोटू को हेलो। और इस टाइम मैं कर रहा हूँ ना इस गैलन को खाली, इसमें का डीजल ना इसमें पूरा कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, इसमें डाल दे रहा हूँ पूरा। और यहाँ देखो तो जितेश भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, पहले इसका नाम भावेश हुआ करता था, अब इसका नाम जितेश हो गया। अच्छा जितेश भैया क्या कर रहे हो, आग क्यों मार रहे हो, आग क्यों मार रहे हो, आँख में मिट्टी पड़ रही है। चिया फोन आ गया। हाँ। मेरा फोन आ गया यार, अब मैं दे दूंगा। क्या क्या करेगा, अब मैं फोन दे दूंगा। दिखाओ किसका फोन आया। हमारे कुमार भैया का फोन आ रखा है, ये फंस गया सी है। और वो 1 तारीख को आने वाले घर पे। हेलो, अभी ना हमारे भैया का फ़ोन आया था, कुमार भैया का, वो पूछ रहे थे ना गांव में कैसे हैं सब, कैसे नहीं है। और वो लोग बहुत जल्द आने वाले हैं घर पे, और पूछ रहे थे ना मछली मर रही कि नहीं मर रही करके, क्योंकि कल रात में ना बारिश हुई थी और मछली मरने की ना संभावना बहुत होती है ऐसे बारिश में। तो पूछ रहे थे कि मछली मर रही कि नहीं मर रही, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मछली तो अभी कुछ भी नहीं मर रही करके, जिसने मारा होगा तो मार रहा होगा, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल खेती में लगे हुए हैं। और मैं इस ट्रैक्टर को लेकर चले जाऊँगा थोड़ी देर में खेत में, और यहाँ पर हमने बिल्कुल जोड़ रखा है, इसको क्या कहते हैं पता है, पैड़ी, ठीक है, हम लोग तो पैड़ी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ हमारे जितेश भैया बैठ चुके हैं खेत ट्रैक्टर में। कहाँ जाएगा भाई, तू जाएगा, मम्मी मारेगी तुझे, तेरी कहाँ मारी थी तेरी मम्मी ने कल तुझे, कहाँ मारा था बता, पैरों में मारा था। छिया क्या कर रहा था तू, क्या कर रहा था, क्या बोला तूने, डुन्नू घर क्या कर रहा था, डुन्नू घर खेल रहा था। अच्छा कैसे खेल रहा था, दौड़ से दौड़ रहा था। क्या कर रहा था, डोला क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। अच्छा तभी तेरी मम्मी ने मार दिया। हाँ। अच्छा चल भावेश बोल हेलो गाइस। हेलो गाइस, ये हमारा न्यू ट्रैक्टर है। ये हमारा न्यू ट्रैक्टर है। और हम कहाँ जा रहे हैं अभी ट्रैक्टर लेके, खेत में जा रहे हैं। तो गाइस चले, चलो गाइस चलते हैं ना, चलो गाइस चलते हैं हम खेतों में। हेलो गाइस, हम चलते हैं खेत पे। अच्छा चलो ठीक है, चले फिर, लेट्स गो। चलो गाइस बोल, गाइस मिलते हैं खेत में, हम जा रहे हैं खेत पे। अच्छा फिर बोल आगे, तो बोल गाइस, वो सुन रहे हैं, देखते रहे गाइस। हां गाइस सुन रहे हैं, जल्दी बोल क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रैक्टर चला लेता तू, बता गाइस को, बता दे गाइस, गाइस पूछ रहे हैं ट्रैक्टर चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो। हैं है, चला लेता है। अच्छा मेरे पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है। तो ये किसका ट्रैक्टर है, तुम्हारा ट्रैक्टर, तुम्हारा ट्रैक्टर है, दादा का ट्रैक्टर है। चले फिर। हाँ? चलो गाइस मिलते हैं आपको खेत में। और हमको ना यहाँ से लेके जाना ना पौध खेतों के लिए, और भाभी ने भर दिया था खेतों के लिए पौध कट्टों में, और ताई जी वहाँ पर ना निकाल रही हैं खेत से पौध वगैरह, और वहाँ पर एक भैया हैं वो खेत बना रहे हैं अपना, ये भावेश यहाँ बैठा हुआ है मज़े ले रहा है। भावेश जाएगा खेत है, तेरी मम्मी नहीं जाने देगी फिर है, ऊपर ही दूंगा फिर। किधर ऊपर ही किधर, घर, क्या घर, घर जाएगा पहले मम्मी से पूछ, खेत जाऊं कि घर जाऊं बता, तेरी मम्मी तुझे डांट लगाएगी और पिटाई भी लगाएगी फिर। रख दिया, और भी है कट्टे, क्या यही है, हो गया, चलें फिर। जी जाएगा मेरे साथ क्या, जगन खेत में नहीं देगी मम्मी तो, मतलब खेत में। चलो ठीक है फिर, इसकी मम्मी ने बोल दिया खेत में ले तो जा रहे हो, लेकिन हाँ इसको ना बाद में जब खेत बनाएंगे ना तो इसको उसमें मतलब ट्रैक्टर में नहीं बैठाएंगे, इसको ना सड़क में छोड़ देंगे।
ये रास्ता ना बड़ा खतरनाक हो गया बारिश की वजह से, यानी कि कीचड़ कीचड़ और साइड में गड्ढे भी हैं, तो ट्रैक्टर एक साइड को ज़्यादा भाग रहा है। चलो आगे एक और ट्रैक्टर खड़ा है, दो ट्रैक्टर खड़े हैं यार, निकालेंगे कैसे समझ में नहीं आ रहा। ट्रैक्टर के मालिक भी है कि नहीं है घर पर कोई पता नहीं। तो ये रहा भावेश का खेत, वहाँ रहा नब्या प्रियांशी मुस्कान का खेत, ठीक है। यहाँ पर ताऊ जी उतार रहे हैं अपनी पौध, और फिर मैं इस खेत को ना जल्दी से जुताई कर दूँगा, फिर वो लोग भी इसमें पौध लगा देंगे। वो लोग लगा रहे हैं देखो, नब्या प्रियांशी, अभी थोड़ी देर में वहीं जाके दिखाऊँगा, ठीक है। खेत बन चुका है और हम जा रहे हैं ना सीधा घर। कहाँ जा रहे भाभी साहब? हम कहाँ जा रहे? घर जा रहे हैं क्या? चलो चलते हैं हम सीधा घर, आप लोगों को घर पे मिलते हैं। तो गाइस अभी ना घर पे पहुंचा था और साहिल का फ़ोन आया कि ना ट्रैक्टर फंस गया है, तो ट्रैक्टर को ट्यूशन लगाने आ जा। तो चलते सीधा ट्रैक्टर के, उसके ना उसका ट्रैक्टर जो फंसा है ना उसको ट्यूशन लगाने चलते हैं। हेलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ। खेत में फंस गया गाइस। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। बीच में ना बोल। पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो गाइस बारिश आ चुकी है, हल्की हल्की नहीं लेकिन बारिश आ चुकी है। बारिश में नहा लेते हैं और सबसे पहले ना अपने ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं गोदाम से ना। यहाँ से ना आप ट्रैक्टर निकालूंगा मैं, इस साइड में कर दूंगा, ताकि ना वो भी नहा लेगा हमारे साथ साथ। मैं तो नहा ही रहा हूँ, आप लोग भी नहाना। लेकिन हाँ, इस बारिश में ना ज़्यादा मत नहाना, बहुत सारे लोग ऐसे होते ना जिनको ना बारिश के बाद ना सिर दर्द वगैरह की ना तकलीफ होने लग जाती है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मेरे को तो नहीं हो रही, बट मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोगों को शायद, आप लोगों ने भी ना इस बारिश का आनंद लिया होगा, आई होप नहीं लिया होगा ना तो ले लेना करके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ट्रैक्टर निकाल दें, ट्रैक्टर निकालने के बाद ना यहाँ पर वो भी नहाएगा और हम भी नहाएंगे। अपना ट्रैक्टर नहाने लग गया, इसको नहाने देते हैं और हम लोग भी नहाते हैं, इंजॉय करते हैं इस बारिश का। और पहले तो चाबी ऑफ करते हैं।
चुकी है, चाबी ऑफ हो चुकी है और नहाते हैं। अब थोड़ा सा मज़े लेते हैं, देखते हैं ना कौन कौन मज़े ले रहा है, कौन कौन नहीं लेता। देखते हैं जितेश होगा कि नहीं है, अगर जितेश होगा ना उस पर भी कहेंगे आ जाकर नहा ले। बारिश मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। पता नहीं किसका यार हंस रहा है, बट मेरा यार तो नहीं हंस रहा है, मेरा यार दुखी होगा। लेकिन हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है ना, और टाइम टाइम पे हो जा रही है। मतलब ठीक है, मतलब दवाई डालने के लिए और खाद डालने के लिए अच्छा मौका मिल जा रहा है। नहीं तो अगर पहले जैसी बारिश होती है ना, मतलब एक दो दिन तक रुकती नहीं है, तो भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाद डालने में। क्योंकि जैसे ही खाद डाल पाते हैं और उसके बाद बारिश होती है, तो वो सारी खाद ना पानी के साथ दूसरे खेत में निकल जाती है, वो भी दूसरे पड़ोसी के खेत में। बट ये अच्छी बात है कि हल्की हल्की हो रही है, खेतों में हल्का हल्का पानी भी हो रहा है ना, तो पानी रुक जा रहा है और खाद का असर भी पूरा हो जा रहा है। गाइस बेबो भी आ चुकी है, अब ये भी नहाएगी। ए आ जा, तू भी आ जा। ये देख, आ जा तू भी आ जा, आ जा। ये फौजियान, ये भी आ चुकी है। ये फिसल के दिखा दो, इसका ना काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है, बट इसकी मम्मी डांट रही ना, तो ये भीग नहीं रही है, कम भीग रही है देखो। ये देखो जितेश भी आ गया, जितेश भैया को भिगाओ। भाग गया जितेश भाग गया। बारिश के ना पानी से तो काफ़ी ज़्यादा नहा लिया, अब सीधा ना टैंक के पानी से नहाते हैं, यानी कि मोटर चलाते हैं उसमें नहा लेते हैं, फिर ना नहाने के बाद ना खाना भी ना ये देखते हैं तैयारी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो खाना भी खा के ना सो जाएंगे। आज ना काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि ना मैंने आज पौध भी लगाई थी, पौध की यानी कि धान की रुपाई करी थी, हमारे यहाँ रुपाई हो रही है, तो अभी ना ख़त्म भी नहीं हुई है, काफ़ी दिनों से चली रही है। लेकिन हाँ लास्ट स्टेज में हम लोग पहुँच चुके हैं, और उसके बाद ना फाइनल हो जाएगी हमारी पौध, तो जल्दी से नहा लेते हैं।